देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। 10 जून की पहली कैबिनेट की बैठक के साथ ही कामकाज भी शुरू हो चुका है। नए मंत्री अपना प्रभार भी ग्रहण कर रहे हैं, पुराने मंत्री अपना पुराना कामकाज ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच यूपी की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कारण, इन सीटों से विधायक अब सांसद बन चुके हैं और एक एक करके विधायकी से इस्तीफा भी देने जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर आगामी 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव को मिनी विधानसभा का चुनाव भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश होगा। तो क्या उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में फिर से अखिलेश का पीडीए दांव चलेगा या फिर योगी का डंका बजेगा? यानी एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन में जोरदार टक्कर होगी। कौन जीतेगा उपचुनाव, करण किसका पलड़ा भारी? खास पैनल के साथ इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे यूपी मांगे उत्तर में। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए 9 विधायक जल्द ही अपनी विधायकी से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद इन सीटों पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट पर जल्द उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश भी होंगे। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काफी तेजी से चला, राहुल गांधी का संविधान बचाओ नारा भी चला। यदि उपचुनाव में अखिलेश राहुल का गठजोड़ रहता है तो ये देखना होगा कि इनके ये प्लान उपचुनाव में चलेंगे या फिर नहीं। उपचुनाव में परिस्थितियां अलग होंगी, चूंकि सरकार बदलने और बनने का चुनाव नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि ये गठबंधन, मुझे लगता है कि अखिलेश के नेतृत्व में राहुल या कांग्रेस और सपा का गठबंधन बरकरार रहना चाहिए। आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि चुनाव होगा तो टक्कर भी होगी। 100% सीटें न तो पीडीओ को जाने वाली है, ना एनडीए गठबंधन को, लेकिन ज़्यादा पलड़ा भारी या ज़्यादा सीटें वो बीजेपी या एनडीए गठबंधन को ही रहेगी या योगी नेतृत्व को ही रहेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपनी कट्टर हिंदू छवि और कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी में बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं मिली। यहाँ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 33 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है। इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली, जबकि एनडीए के खाते में कुल 36 सीटें गयी। 2014 और 19 की अपेक्षा बीजेपी को यूपी लोकसभा चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब एक बार फिर से यूपी में उपचुनाव के बहाने बीजेपी का लिटमस टेस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये बता दें कि आज के आखिरकार बड़े सवाल क्या हैं, ये अब आपको जानने की जरूरत है। क्या यूपी में फिर होगा जिस तरह से रण होने वाला है यूपी में, किसका डंका बचेगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है। और सबसे बड़ी बात जो हम सवालों का जिक्र कर रहे हैं वो अब आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। मुद्दों और रणनीति का नया इम्तिहान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल ये भी है कि उपचुनाव में सपा बीजेपी का लिटमस टेस्ट होगा। उपचुनाव में पीडीए का क्या फिर से दांव चलने वाला है? जो दांव अखिलेश यादव ने इस बार खेला है, क्या फिर से वही चलेगा? क्या योगी का डंका बजेगा इस बार उपचुनाव में? और ये उपचुनाव के नतीजे सीधे सीधे 2027 के लिए संदेश होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ वो हमने देख लिया। बीजेपी का जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हाल हुआ है, ये शायद बीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यूपी से। लेकिन अब जो बारी है वो उपचुनाव की है। 9 सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर किस तरह की अब बीजेपी की तैयारी है, ये जो एक नया इम्तिहान आया है जिसकी सुगबुकाहट तेज हो गई है, उसको लेकर ही हम चर्चा करने वाले हैं
कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है फराज जी आपका। कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल संजय जी आप ही से मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा था बीजेपी में, लेकिन धरातल पर जो भी हुआ वो सभी ने देख लिया। लेकिन अब उपचुनाव की बारी है और इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है 2027 को लेकर, तो इस नए इम्तिहान को लेकर कितनी तैयार है अब बीजेपी? देखिए, जैसे तीसरी बार शपथ लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले ही दिन गरीब और किसानों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता में नंबर वन रखा, पहले ही दिन किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की धनराशि उन्होंने आवंटित की और उसी दिन शाम को 3 करोड़ गरीबों के लिए छत की व्यवस्था की, एक ऐसा घर जिसमें बिजली भी होगी, जिसमें पानी भी होगा, जिसमें शौचालय भी होगा और जिसमें गैस भी होगी। मुझे लगता है कि सर्व सुलभ सारी सुविधाओं से युक्त 3 करोड़ लोगों को आवास एक सपने को साकार करने जैसा है, तो गरीबों का कल्याण और किसानों का उत्थान पहले ही दिन से मोदी जी की प्राथमिकता में है। और मुझको लगता है कि पहला ही दिन इस देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला साबित होगा और निश्चित रूप से गरीब और किसानों के कल्याण के साल भी तो आप यही कर रहे थे ना, गरीबों का विकास कर रहे थे, देश में हर वर्ग के लिए इसी तरह से सुविधाएं आप दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो तस्वीर नहीं दिखी। वो जो पीडीएफ फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, उसने जरूर काम किया यूपी में। देखिए, पूरे देश ने देखा है कि कैसे 1996 से लेकर आज तक विपक्ष जो है वो कभी भी 240 नंबर के आसपास नहीं आया। हाँ। आज भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 240 है और सारा विपक्ष मिलकर भी 236 के आसपास है, मतलब नंबर्स कितने कम हैं। हाँ। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल शासन करने के बाद भी जनता की स्वीकृति पाई है और उत्तर लेकिन सर नंबर्स में अगर आप तस्वीर को देखेंगे पूरे देश की, तो फिर आप पर भी सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि इन्हीं नंबरों का हवाला तो आप भी दे रहे थे यूपी को लेकर भी, देश को लेकर भी। आपके पास मैं वापस लौटूंगी फराज जी, कितनी तैयार अब समाजवादी पार्टी? अब तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें मिल गई हैं एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया होगा सपा का। फराज जी, समाजवादी पार्टी का आकांक्षा जी हमेशा से मैं कॉन्फिडेंस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन भरोसा हमेशा हमारा जनता में रहा है और हमको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 साल में इनका जो बड़ा इंजन है और जो छोटा इंजन उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से इनकी सरकार चल रही थी, आप अभी बात कर रही थी कि गरीबों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की, संजय जी बोल रहे थे कि ये काम कर रहे थे, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि 80% से ज्यादा युवा इस देश में बेरोजगार है। अजीम हसन प्रिंटिंग यूनिवर्सिटी बताती है कि देश का 42.2% ग्रेजुएट जो है वो आज की तारीख में बेरोजगार है। सरकार का जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया था उसके हिसाब से आजादी के बाद से लेकर के अब आज तक के जो किसानों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो एक आम ग्रामीण व्यक्ति से काफी कम है। तो ये सब जो हुआ है ये आकांक्षा थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकिन इस बार तो एजेंडा पहले ही सेट कर लिया गया है और अभी तो बीजेपी के जो अभी अभी जिन मंत्रियों ने प्रभार संभाला है वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये 100 दिन का एजेंडा हमारा नहीं है, ये अपकमिंग 100 डेज नहीं है, बल्कि ये आने वाले 5 साल का एजेंडा है जिसका कार्य आज से बीजेपी ने शुरू कर दिया। फराज जी देखिए, आकांक्षा जी अभी आपने लिटमस टेस्ट की बात करी तो दो लिटमस टेस्ट हुए हैं इस देश में। एक लिटमस टेस्ट अभी हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसने ये प्रूव कर दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अभी जो उपचुनाव होंगे या आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी दोहराएगी। दूसरा लिटमस टेस्ट हुआ है पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो नॉन परफॉर्मेंस रही है हर मुद्दे पर, जो भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, इससे बड़ा लिटमस टेस्ट और कोई नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, अगर दूसरों के सहारे की हम बात करें अन्य दलों को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के सहारे जरूर है, क्या तैयारी है आपकी उपचुनाव को लेकर अब प्रियंका जी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर गठबंधन की बात की जाएगी तो आज भारतीय जनता पार्टी का जैसे गठबंधन है, संगीत सोम जी आज बैठकर उनको कोस रहे थे,
तो इनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या चल रहा है भाई, ये गठबंधन बंधन रहेगा भी या बंधन टूट जाएगा। खैर अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इससे पहले तो बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था। इससे पहले जब बैठा करते थे तब 400 पार की बातें किया करते थे, अभी तो बता रहे हैं कि खैर गरीबों के लिए करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। पर हकीकत ये है कि आज शिक्षा महंगी है, और जब बच्चा पढ़कर तैयार होता है, एग्जाम की तैयारी करता है, और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी उसको धरने पर बैठना पड़ता है, ये है हकीकत। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से नीट की परीक्षा में आज 24 लाख से ज्यादा बच्चा परेशान घूम रहा है, उसका जवाब कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हकीकत ये है कि बच्चा जब डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो दिन रात मेहनत करता है, उसके घर वाले उसके ऊपर पूरी जी जान अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। जल्दी से इस पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। संजय जी, शिक्षा महंगी हो गई है, बेरोजगारी का एक मुद्दा जो इससे पहले अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उठा रहे थे, उस पर आपका क्या प्लान है? दूसरी चीज, नीट एग्जाम को लेकर भी अभी सवालों के घेरे में आप नजर आ रहे हैं, जो प्रियंका जी आप पर सवाल उठा रही हैं, और आपकी जो पार्टी की अंदरूनी कलह है उसको लेकर भी वो आपसे जवाब चाहती है। जल्दी से आप छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, जनता को बहुत ज्यादा दिनों तक बरगलाया नहीं जा सकता है। आपने देखा था कि हिमाचल में कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस ने जीतने के बाद सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए थे। जो ये कहकर आते थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, वो आने के बाद जनता को महंगाई का उपहार देते हैं। हमने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल चली थी, उसने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल कोरोना के होने के बाद भी 5 साल के अंदर 6 लाख नौकरियां दी थी। देखिये, जनता जब इस भ्रम को समझती है तो वैसा ही परिणाम देती है। जैसा मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि किसी प्रकार से जनता को भुलावे में आकर कमलनाथ की सरकार तो बन गई थी, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई और फिर से भाजपा की सरकार बनी, और जब भाजपा की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। एक भी सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीत पाई। जनता को आप छलावा दे सकते हैं, उसे मुद्दों के आधार पर भटका सकते हैं, लेकिन जब सच का सामना होता है तो सच सच की तरह सामने आता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी ने पहले ही दिन से गरीबों और किसानों का कल्याण करना शुरू किया है, मुझे लगता है कि और बेहतर रिजल्ट्स के साथ। प्रियंका जी, जल्दी से आपका रिएक्शन में चाहूंगी, जल्दी से प्रियंका जी। देखिए, जब ये हिमाचल की बात करते हैं और ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इनका अहंकार बोलता है। इन्होंने अलोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश की, वो नाकामयाब रही और उल्टा इन्हीं को मुर्गी खानी पड़ी। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े वादे करती है वो पूरे नहीं करती। इनसे पूछिए कि क्या आप जिस तरह से आप गठबंधन के साथी हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी जो अपने प्रदेश में जो है वहां पर 4% जो आरक्षण देने जा रहे हैं, क्या उसका समर्थन करते हैं? क्या ये जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं? जब नीतीश जी जातिगत जनगणना आगे, नरेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं Within 6 months, आप कैसे देख रहे हैं अभी बीजेपी को और इस वक्त समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर? आकांक्षा जी, अभी से कुछ कयास लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं उसमें 2 चीज प्रमुखता से देखी जाती है। एक तो उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं बोल रहा हूं, एक तो जातीय समीकरण और दूसरा कैंडिडेट की इमेज, बहुत कुछ इन दोनों चीज पर निर्भर करता है। तो कैंडिडेट जो जब घोषित हो जाएंगे उनकी इमेज और उस आधार पर जातीय समीकरण को देखते हुए ही कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी इस विषय में कुछ कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। तो आपको क्या लग रहा है अभी, अगर अपकमिंग सिचुएशन को हम देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इस बार काफी मुश्किलों में नजर आई है, तो क्या लग रहा है ये जो रहा है कांटो भरी हो सकती है उपचुनाव में? समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और अभी संबोधन हम चाहे कांग्रेस के नेताओं के सुने, समाजवादी पार्टी के नेताओं के सुने, तो वो उनकी जुबान में भी दिख रहा है। तो क्या ऐसे लगता है कि राह फूलों से भरी हुई हो सकती है कि समाजवादी पार्टी की भी? नहीं नहीं फूलों से भरी हुई रास्ते किसी के नहीं होंगे, सबको संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ाई नेक टू नेक ही होगी। मैं बताऊं आपको जी, शायद बताना उचित है कि नहीं उचित, लेकिन आ गया मन में तो बता ही देते हैं जी। मैं रहने वाला अयोध्या जी का हूं जी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी वहां चुनाव हार जाएगी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में, लेकिन जातीय समीकरण और कैंडिडेट की इमेज,
प्लस कुछ और मामले, एक दो मामले उसको यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं होगा, तो रिजल्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ चला गया। तो मेरा ये मानना है कि अभी इस पर कुछ कयास लगाना जल्दबाजी होगी। कैंडिडेट की इमेज और जातीय समीकरण बहुत मायने रखेगा, और चूंकि बीजेपी के फेवर में तो नहीं कहेंगे रिजल्ट आया है, बीजेपी जितनी उम्मीद करती थी उससे बहुत कम आया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा। जातीय समीकरण और कैंडिडेट की इमेज को ध्यान रखते ही सारी काम करने पड़ेंगे इनको। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये भी तस्वीर देखी है उत्तर प्रदेश से, जहां पर जनता कैंडिडेट से भी नजर नाराज नजर आई है। संजय जी, मैं एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो रह ही गई है, ये कहना गलत नहीं होगा, इसीलिए इस तरह के परिणाम आए हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कौन कौन से वो मुद्दे आपको अभी नजर आ रहे हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आने के बाद हमने देखा है कि पहले ही दिन से वो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। पहला दिन ही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि गरीब और किसान भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी नंबर वन है, और वो हमने पहले ही दिन उसके निर्णय करके दिखा दिए हैं। 100 दिन का भारतीय जनता पार्टी ने सारे मंत्रियों को एजेंडा दिया है, और उसके आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगी। और विपक्ष द्वारा फैलाए गए ऐसे नैरेटिव्स जिनको फैलाकर उसने वोट लेने की का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि उसके वातावरण को भी हम समाप्त करेंगे, क्योंकि झूठ बहुत दिन चल नहीं सकता है, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महिलाएं जा रही हैं और कह रही हैं कि खटाखट हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, आज जो विपक्ष का नेतृत्व है वो भागा भागा फिर रहा है, बेहतर होगा कि वो अपने फराज जी, जल्दी से आपका रिएक्शन में चाहूंगी, फराज जी देखिए आकांक्षा जी, प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां में जो है यहाँ के नौजवानों को भारत के दी जाएंगी, वो नौकरियां कहाँ है? 15-15 लाख रुपए। देखिए, आपने तो झूठ बोला, झूठ बोलने के बाद सरकार आई फिर भी आपने नहीं किया, लेकिन अगर हमारी सरकार बन जाती तो जितने वादे हमने किए सब वो पूरे करते। आपने कहा कि 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, कहाँ है? आपने कहा कि काला धन आएगा, काला धन कहाँ है? आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज की तारीख में विशुद्ध किसानों की किसानी से जो किसानों की आय वो 27 रुपए प्रतिदिन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये NSSO बोल रहा है। दूसरी बात आकांक्षा जी, मोहन भागवत जी ने इनको बड़ी कस की चपत लगाई है भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को। मुझे लगता है आकांक्षा जी, मोहन भागवत जी का आपने ये स्टेटमेंट जरूर पढ़ लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि असली स्वयंसेवक वो है जिसमें अहंकार नहीं होता है, दूसरों की भावनाओं को वो हर्ट नहीं करता है, और आगे वो कहते हैं कि इस इलेक्शन में बीजेपी ने डेकोरम नहीं मेंटेन किया। अहंकार का तो ये आलम था आकांक्षा जी, के प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि गांधी पिक्चर के आने के बाद लोगों को पता चला कि गांधी जी कौन है। अरे वो तो कहीं अच्छा हुआ चौधरी का चांद पिक्चर आ गई, वरना आकांक्षा जी हम तो आपको ये भी ना पता होता कि इस सृष्टि में चांद भी एग्जिस्ट करता है। तो जो प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी, जो अहंकार था, वो तो RSS उसको इंडोर्स कर रहा है, तो हमारा और आपका क्या मतलब है? तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है मैं आपके पास पहुंचूंगी अभी। प्रियंका जी, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है? ये नहीं भूलना चाहिए कि गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं चुनाव में, अगर इतनी सीटें मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी इतनी बेहतर स्थिति अभी नहीं है जितना कॉन्फिडेंस हाई जरूर हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ओवर हाई नहीं है, हम पूरी तरीके से अपने ग्राउंड पे हैं। आज भी माननीय श्री राहुल गांधी जी ने यही कहा कि कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार होना भी नहीं चाहिए, हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे क्योंकि हम विपक्ष में हैं। अभी बात कह रहे थे कि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है कि कांग्रेस ऑफिस में लोग पहुंचे कि हाँ 1 लाख रुपए चाहिए, अरे ये बताइए कम से कम कांग्रेस ऑफिस में लोग पहुंचे, उन्हें उम्मीद थी कि हाँ 1 लाख रुपए अगर किसी ने कमिट किए कि सरकार आएगी तो वो दे सकते हैं। परंतु आज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कौन जाता है और कौन पूछता है कि जो है हमें 2 करोड़ रोजगार थे देने थे वो क्यों नहीं दिए, ये क्यों नहीं पूछते कि 15 लाख रुपए आपने जो वादा किया था वो नहीं दिया। आप ये समझिए कि ट्रस्ट का भी जो फैक्टर है वो कांग्रेस के साथ में है पर बीजेपी के साथ में वो ट्रस्ट का फैक्टर खत्म हो चुका है, लोग सवाल ही नहीं पूछते, पता है कि वो जुमला है। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि तो झूठ के पैर नहीं होते,
और मैं उनको बताना चाहती हूं। प्रियंका जी, आपके पास में लौट रही हूं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आप ही से सर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि सवाल बीजेपी को लेकर मेरा आपसे होगा। उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति हमने सबसे ज्यादा अभी अगर आप देखी है खराब, तो वो बीजेपी की इसलिए नजर आई क्योंकि मिशन 80 पर बीजेपी का फोकस था, लेकिन हाफ तक भी नहीं पहुंच पाए। भले ही सरकार अब केंद्र में जरूर हो बीजेपी की, लेकिन किन आस्पेक्ट पर आपको लग रहा है कि अभी इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उपचुनाव पर ये मुद्दे या फिर ये रणनीति जिस पर बीजेपी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर? सर, आकांक्षा जी, जी मैंने आपसे कहा कि अभी अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी यदि जातीय समीकरण को देखते हुए और अच्छे इमेज के कैंडिडेट देगी तो उनको कुछ हासिल होगा। अगर जातीय समीकरण फेवर में नहीं रहा और कैंडिडेट की इमेज ठीक नहीं रही तो मुश्किल होगा चुनाव में, उपचुनाव में। इसलिए जब भी ये टिकट बंटवारा करें, टिकट दें, तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखें कि कैंडिडेट की इमेज तो अच्छी होनी ही चाहिए, प्लस जाति समीकरण भी उसके पक्ष में हो। अगर इन दोनों पर ध्यान दिया गया तो बीजेपी के लिए ठीक होगा, अन्यथा जैसे परिणाम पार्लियामेंट में आए हैं वैसे ही पार्लियामेंट में कई जगह ऐसे स्थान है जहां पर कैंडिडेट की पार्टी हार गई है। बिल्कुल, कैंडिडेट का इमेज जो है वो गड़बड़ हो गया, कैंडिडेट के व्यवहार जो है वोटर्स के साथ अच्छे नहीं थे, तो उनकी ख्याति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको टिकट दिया गया तो इसलिए वो चुनाव लूज कर गए। अगर जातीय समीकरण का ध्यान दिया गया और इमेज अच्छी रही, जी निर्विवाद कैंडिडेट आया, तो जरूर फायदा होगा, अन्यथा मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, बड़ा सवाल है उपचुनाव को लेकर, और वाकई ये रहा कितनी आसान होने वाली है, ये डगर किसके लिए फूलों से भरी होने वाली है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, जैसे ही उपचुनाव होंगे और उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट होंगी कि कितना बीजेपी ने अपनी रणनीति को लेकर सुधार किया है या फिर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति किस तरह की होती जा रही है। एक छोटे